आव्या जरा मेरे संग आना, मेरे रूम की सफाई करवा दो। आई मम्मी। पता है जब जब मुझे मम्मी ना अपने रूम की सफाई के लिए बुलाती है तब तक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर मिल जाता है जो वो तो मुझे फेंकने के लिए देती है लेकिन वो मेरे DIY के काम में आ जाता है। तो चलो देख के आते हैं आज क्या मिलेगा। फाइनली सफाई तो बहुत करा ली पर काम का भी कुछ मिल गया। ये मम्मी ने मुझे फेंकने के लिए दिए हैं लेकिन इनसे तो हम बहुत सुंदर सा कुछ बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या बनाएंगे। तो अब हम इन बोरिंग से पुराने बैंगल्स को नए से बैंगल्स में यानी कि इस तरह के बैंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले पुराने बैंगल्स चाहिए जो कि सबके घर पे पक्का मिल ही जाएंगे। उसके बाद मैं कार्डबोर्ड पीस ले रही हूँ और सिल्क थ्रेड ले रही हूँ। उसके बाद थ्रेड को कार्डबोर्ड के ऊपर रैप करेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 40 to 50 राउंड्स लिए हैं। कार्डबोर्ड का साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा ही लेना जैसे कि एक ही बार में आपके थ्रेड का काम हो जाएगा। उसके बाद सारे थ्रेड्स को रैप करने के बाद इस तरीके से कट कर लेंगे। देन सारे थ्रेड को एक साथ करके लास्ट में ग्लू लगा लेंगे और इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। और उसके बाद बैंगल के ऊपर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करके इसको रैप करना स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है लेकिन जब हो जाता है ना भाई सच में बहुत प्यारा लगता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको पूरे को रैप कर लेंगे और लास्ट में इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। देन एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमारा एक बैंगल रेडी हो जाएगा। देखो इसका तो पूरा लुक ही चेंज हो गया एक ही बार में। और जैसे हमने इसको किया है सेम हम बाकी बैंगल्स को भी कर लेंगे। उसके बाद मैं 4 बैंगल्स ले रही हूँ जिन्हें आपस में स्टिक करके एक बड़ा बैंगल बनाऊंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप उसी को लेना। देन उसको भी रैप कर लेंगे और उसके बाद मैं इस वाले लेस को इसके ऊपर राउंड राउंड करके अप्लाई करूँगी। और अगर आपके पास इस टाइप के लेस ना हो तो आप गोल्डन कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से रैप करने के लिए। और इसी तरीके से पूरे को रैप करने के बाद इसको लास्ट में स्टिक कर लेंगे। देन कट कर लेंगे और अब हमारा सेंटर वाला बैंगल रेडी है। सेम वे मैं इन दोनों को भी रैप कर लूँगी और अब हमारा नॉर्मल सा सेट रेडी है। उसके बाद मैं लास्ट वाले बैंगल के लिए इस तरीके के बीड्स और पॉम्पॉम का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 3 बीड्स को डाल के एक पॉम्पॉम डालूंगी और इस तरीके से बैंगल के साइज़ की एक माला को रेडी कर लूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर से स्टिक करेंगे। मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बस पॉम्पॉम पे ग्लू लगा के स्टिक कर रही हूँ, बीड्स पे नहीं लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे बैंगल को स्टिक कर लूँगी अच्छे से। और लास्ट पॉम्पॉम को स्टिक करने के बाद दोनों थ्रेड्स में जो लास्ट वाला और पहला वाला थ्रेड होगा उनमें नॉट टाई कर लेंगे और पीछे की साइड से घुमा के भी कर लेंगे जैसे कि ये हिले ना। और उसके बाद के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। और इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला बैंगल भी रेडी कर लिया है। आप इस सेट को इतना भी पहन सकते हो। उसके बाद मैंने बीच वाले को अलग से डेकोरेट किया था लेकिन वो मुझे इसके संग जमा नहीं तो मैंने फिर इसको चेंज कर दिया। इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। तो अब सेंटर के लिए हमें दूसरा बैंगल बनाना पड़ेगा जिसके लिए मैं 8 बैंगल्स को आपस में स्टिक करके एक बड़ा सा बैंगल बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी इसका साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हो। और सबको स्टिक करने के बाद इसमें थ्रेड को रैप करना स्टार्ट करेंगे पर इसमें ना पूरे में रैप नहीं करना है। यहाँ पे हम अलग अलग कलर के थ्रेड्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं बस इतना सा एरिया को येलो कलर से कवर कर दी हूँ। देन इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से मैं अलग अलग कलर से इसको कवर करूँगी। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी कलर्स अवेलेबल हो ना सबको लगा डालो क्योंकि जिससे ये मल्टी कलर हो जाएगा और किसी भी कलर के आउटफिट के संग आराम से जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसे डेकोरेट करने के लिए रेन स्टोन चेन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 12 स्टोन्स की चेन को कट कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने बहुत सारे पीस कट कर लिए हैं। आपने जो बैंगल का साइज़ रखा है आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। उसके बाद मैं एक हार्ड ग्लू का अप्लाई कर रही हूँ और इसके ऊपर इसके 2 लेयर्स को स्टिक कर लूँगी। और जहाँ पे थ्रेड का कलर चेंज हुआ है वहाँ पे हम इसको स्टिक करेंगे। और इसको अच्छे से स्टिक करने के बाद हम सेम प्रोसेस को पूरे बैंगल में रिपीट कर लेंगे। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे वाइट स्टोन का यूज़ कर रही हूँ इस टाइप के। और उसके बाद इन्हें बैंगल्स में स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बस एक कलर में 3 स्टोन्स को लगाऊंगी। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी इसको डेकोरेट कर सकते हो और चाहो तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। और इसी प्रोसेस को मैंने सब में रिपीट कर लिया और अब हमारा बैंगल बिल्कुल रेडी है। अरे बाबरे ये बैंगल तो कुछ ज़्यादा सुंदर बन गया। तो इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा सेट बिल्कुल रेडी हो गया। इसको तो आप मल्टीपल आउटफिट्स में वेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कलर पहले से ही हैं। और ज़रा सोचो आप अपनी मम्मी से पुराने बैंगल्स लेके आते हो जो वो फेंकने वाली हो और उसके बाद आप उनको ये ब्यूटीफुल सा सेट बना के देते हो और वो कितना खुश हो जाएंगी यार। वो मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई थी इसको देख के। बताओ कैसी लगी वीडियो। और देखो कितनी पुरानी चूड़ियों से हमने कितनी सुंदर सा सेट बना लिया। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।